हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केसरी फूड्स। तो आज हम बना रहे हैं स्पाइसी मसालेदार बनाना चिप्स। ये स्नैक्स में काफ़ी पसंद करते हैं और काफ़ी हेल्दी भी होता है और ये इंस्टेंट बन के तैयार हो जाता है। तो इस झटपट से मज़ेदार सी बनने वाली रेसिपी को चलिए फिर शुरू करते हैं। बनाना चिप्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कच्चा केला लिया है। ये मार्केट में कई तरह के केले मिलते हैं, पर ये जो पतले और लंबे वाले होते हैं ना, इसके चिप्स काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो चलिए फिर इसको हम काट के तैयार कर लेते हैं। मैंने इसे धो के अच्छे से पोंछ लिया था ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो पानी और मॉइस्चर नहीं आए। चलिए फिर बनाना को छील लेते हैं और छील के इसको तैयार कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे छीलने के लिए छीलना का यूज़ नहीं किया है और ना ही चाकू से मैं छील रही हूँ। इसमें पहले तो मैं लाइन बना रही हूँ और फिर इसको हाथों से छीलूँगी। आगे आप देखना, इसका रीज़न भी बताऊँगी कि एक्चुअली ये होता किस लिए है, ऐसे हम क्यों करते हैं। केले के छिलके में होता क्या है कि सिर्फ फाइबर ही होता है, मतलब रेशा ही होता है। अगर आप छिलना से प्रॉपर तरीके से नहीं छीलोगे तो कद्दूकस करते समय ना वो चिप्स अच्छे से बन के नहीं आएगा। वो जो रेशा है ना, वो बार बार आप उसमें अटकते रहेगा और आपका चिप्स सही से नहीं बन पाएगा। तो बेस्ट है कि आप इस तरीके से छीलें और इसको छीलने में आप देख सकते हो बहुत ही ईजिली ये छिल जाता है। बाकी अगर आपको लगे कि आप चाकू से या फिर छीलना से अच्छे से छील सकते हो तो इट्स योर चॉइस, अप टू यू कि आप कैसे छीलना चाहते हो। बस इसे छील के तैयार कर लें और ना ये तुरंत काला पड़ जाता है, तो पहले एक का चिप्स आप फ्राई कर लें और जब वो बन जाए फिर दूसरा छील के रखें। ये नहीं कि एक साथ में 3-4-5 केले को छील के रख लिया तो वो फिर हो जाता है काला। मैंने चूल्हा पे तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, फ्लेम बिल्कुल लो रखा है। जब तक तेल गर्म होता है हम मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 6 से 7 काली मिर्च लिया है और इसको अच्छे से हम कर लेंगे क्रस्ट। देखिए हो गया है रेडी। इसके बाद डालेंगे 1/4 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर और सेम क्वांटिटी में देगी मिर्च पाउडर, ये कलर के लिए है। और फिर डाल दें अमचूर पाउडर, इसमें जाएगा नमक और डाल देंगे काला नमक और इन सबको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। थोड़ा सा क्रस्ट कर लेंगे ताकि चिप्स पे जो है मसाला अच्छे से चिपके। आप चाहें तो मसाले में चाट मसाला भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल बन के रेडी है। अब मसाले को रखते हैं साइड में और प्रिपरेशन करते हैं चिप्स को फ्राई करने के लिए। तो जब तक हमने मसाले तैयार किए हैं हमारा तेल भी गर्म हो गया है। मैंने छोटा सा टुकड़ा केला का काट के डाला था इसमें और ये देखिए तेल बिल्कुल गर्म है। तो अब चिप्स को कर लेते हैं तैयार और इसमें फ्राई कर लेते हैं। चिप्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चिप्स कटर लिया है और ये जो बनाना चिप्स होता है ना, वो डायरेक्ट हम इसे तेल में ही फ्राई करते हैं। रीज़न ये है कि जो बनाना है वो काफ़ी स्टिकी होता है, तो अगर आप पहले से बना के रखोगे तो या तो काला हो जाएगा और दूसरा एक दूसरे से वो चिपक जाता है। तो इसलिए हम इसे प्रेफर करते हैं कि डायरेक्ट हम इसे तेल में ही डालें ताकि वो चिप्स जो है अच्छा बने, उसका कलर भी अच्छा है और एक दूसरे से चिपके भी नहीं। चिप्स को फ्राई करते समय फ्लेम को जो है स्टार्टिंग में जब हम चिप्स डाल रहे होंगे तो फ्लेम हाई रहेगा और बनाना का कलर थोड़ा सा चेंज होते ही हम फ्लेम को जो है बिल्कुल मीडियम टू लो पे पकाएंगे ताकि ये क्रंची भी बने और कलर ज़्यादा चेंज भी नहीं हो। ट्रेडिशनली ये तो कोकोनट ऑयल में बनता है, पर मैंने यहाँ पर रिफाइन ऑयल यूज़ किया है। इट्स अप टू योर चॉइस कि आप इसे कौन से तेल में फ्राई करना चाहते हैं। जो भी आपको पसंद हो उसमें आप इसे बनाएं और इसे इंजॉय करें। रियली ये बहुत टेस्टी लगता है, यकीन मानिए एक बार आप इसे ज़रूर बनाएं, बहुत टेस्टी लगता है ये। तो चिप्स का फर्स्ट बैच हमारा रेडी है, इसे निकालते हैं साइड में और सेकेंड बैच हम फ्राई कर लेते हैं। बनाना का चिप्स अगर आप साइज़ में लंबा चाहते हैं तो इस तरीके से कटिंग करके फिर इसको चिप्स कटर में कट करेंगे तो वो ना साइज़ में जो है वो काफ़ी लंबा बन के निकलेगा। तो चलिए फिर सेकेंड बैच हम तैयार कर लेते हैं। और ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। और न्यू वीडियोस के अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मैं फटाफट से सेकेंड बैच भी तैयार कर लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ इसके मसाले के साथ में कितना मसालेदार और मज़ेदार लगता है इसको खाने में।
तो बस अब ये सेकेंड बैच भी फ्राई हो गया है, तो चलिए फिर इसमें डालते हैं अपना स्पेशल स्पाइसी मसाला। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें भर भर के डालें मसाला, और मसाला डाल के कर ले अच्छा सा एक टॉस, मतलब मिक्स कर ले अच्छे से। और मैं सुनाती हूँ ये कितना क्रंची है। तो हमारी करारी सी चिप्स तो बनके तैयार है, बस ज़रूरत है एक कप चाय की, और इसे इंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय।